हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है। फ्रेंड्स देख लीजिए, सगुन गई है स्कूल और ये घर पे है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है। डेंगू बुखार हुआ था, आप लोग को बताए भी थे। अभी इसके पापा कह रहे हैं दो एक दिन चार दिन रेस्ट कर ले। देखिए लेकिन मुझे स्कूल जाना है। स्कूल के लिए बार बार जिद कर रहा है। सगुन गई है स्कूल, ये नहीं गया है। अभी नहलाए धुलाए हैं। अभी देखिए मेरे हालात ऐसे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए फ्रेंड्स, खाना जल्दी जल्दी बना लेते हैं। हो गया है टाइम। इस टाइम हो रहा है 10:30। हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है मगर लंच अब बनाना है। चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लंच करना। क्या आज मसूर की दाल बनाएंगे, खा लोगे? हाँ चलो ठीक है, मैं बनाने जा रही हूँ, तुम आराम करो। ठीक है, बाय। फ्रेंड्स मैं लंच में मसूर और चने की दाल बनाने जा रही हूँ। इसमें हींग और जीरा की तड़का लगा दी हूँ। इसके बाद तेज पत्ता और लहसुन मिर्चा का पेस्ट है ये। उसके बाद चला देते हैं, थोड़ा लाल हो जाएगा तो इसमें ये मैं प्याज डाल दे रही हूँ। सब भून दूँगी। इसी में मैं मसाला डाल दूँगी, हल्दी। और देखिए इसको पहले देख लीजिए आप लोग। ये मैं भिगो के रखी थी आधे घंटे तक। मसूर ली थी एक कलछुल चने की दाल ली थी। मेरी ज़रूरत उतनी ही थी। आप लोग की जैसी मतलब फैमिली हो वैसा बढ़ा दीजिए। ये नली नहीं खाया है अनार। एक अनार मैं छीली, उसमें भी आधा सड़ा निकला, जो बचा वो दो चम्मच ये खाया, उसके बाद नहीं खाया। फ्रेंड्स इसी में मैं हल्दी और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी, जो बाद में फ्राई करने से बढ़िया है कि एक ही साथ में डाल देती हूँ। ये सब पूरा भूनने के बाद इसी में मैं दाल डाल के भून दूँगी। ये मैं टमाटर डाल दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये लाल हो गया ना प्याज। अब इसको डाल देती हूँ, कुछ देर के लिए थोड़ा सा भून दूँगी, फिर नमक और पानी डाल दूँगी इसमें। ऐसे भूनने से, ऐसे बनाने से बाद में फ्राई करने वाला झंझट नहीं रहता है। ये मेरी चार लोगों के लिए एक लोटा पानी बहुत हो जाता है। वो थोड़ा बहुत पानी जलेगा भी तो हो जाएगा, चार लोग को खाने के लिए इतना काफ़ी है। मेरी फैमिली इतनी ही है, इसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। हो गया, आज नलिन घर पे ही है, उसकी मस्ती तो आप लोग देख ही होंगी। बताया कि मम्मी हुई, मैं वीडियो ऑन करता हूँ आप बोलो, तो मैं सोची कि ये इसी मतलब ऐसे ही मजाक सूझा है। मैं भी बोली चलो अच्छा ठीक है ऑन करो, बोलती हूँ। घर पे है, मेरा भी मन लग रहा है, घर पे है अच्छा लगता है, अकेले अच्छा नहीं लगता है। मगर अभी तो बीमार है इसलिए रोके हैं, फिर स्कूल जाने लगेगा तो फिर अकेले हो जाएंगे अपने काम से काम। अभी इनके पापा स्कूल गए हैं किसी काम से, फिर आएंगे उन्हीं के लिए जल्दी जल्दी दोपहर में, फिर उनको 12 बजे से फिर जाना होगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कितना जल्दी बना लूँ, टाइम भी लगेगा। चने की दाल है, कम से कम स्लो आंच में फ्रेंड इसे 3 सीटी लगाऊंगी। जब तक मेरा दाल हो रहा है मुझे बहुत घुटन घबराहट सी हो रही थी कि जल्दी से हो नहीं रहा है, जल्दी से हो नहीं रहा है। तो मैं इसमें टोपा में मैं रख दी चावल,
कभी मैं टोपा में चावल बना ही नहीं हूँ। मैं सोची लाओ इसी में रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड हो गया दाल, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और ज़रूरतमंद मसाला पड़ा है फ्रेंड, बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी इसे ट्राई करिए, एक बार बनाइए मसूर और चने की दाल, फिर उसको अलग से फिर फ्राई करिए, डबल काम बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसी तरह बना लेती हूँ। वैसे भी बनाती हूँ मगर इस तरीके से ज़्यादा बनाती हूँ। फ्रेंड मैं ये टोपा में चावल डाली हूँ, फर्स्ट बार मैं इस टोपा में चावल डाली हूँ। माय गॉड, गिर गया, मेरा हाथ भी जल गया। देख सकते हो क्या भयानक हादसा हुआ है, यहाँ पर चावल गिर चुका है। अब क्या रीज़न है, कैसे गिरा वो तो मुझे नहीं पता, वो मम्मी बताएंगे। बताइए कैसे गिरा ये चावल, अब गिर गया कैसे, बताएं कैसे गिर गया। तो गिर गया गाइस, चावल वेस्ट नहीं जाएगा, हम देंगे जानवरों को देंगे इसे। एटीएम अंजलि तारक मेहता। फ्रेंड्स नलिन के पापा को आप लोग नलिन की वजह से देख लिए, वरना मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ती है उनकी वीडियो शूट करने की। इस ये मोबाइल लेके मस्ती कर रहा था, इसके पापा सोचे कि ऐसे ही मस्ती कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं खाना खाने, आइए आप लोग भी खा लीजिए। उनके पापा चले गए हैं, अब इसके बाद हम माँ बेटे खा लेते हैं दोनों लोग, फिर शगुन आएंगी तो फिर खाएंगी। वो 3:30 बजे आती हैं स्कूल से, वो तब तक तो इंतज़ार नहीं किया जा सकता क्योंकि भूख लगी है, खा लेते हैं। शगुन आ गई है स्कूल से, देख लीजिए खाना खा रही है। हाय करो शगुन, शगुन स्कूल से आ गई है, यहाँ पे नलिन बैठ के देख रहे हैं दुनिया। चलिए फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय बाय।